नमस्कार साथियों, मैं संतोष बैरवा, अजमेर डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर, एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते। जैसा कि आपको विदित है, पूरा विश्व एक महामारी से जूझ रहा है वर्तमान समय, और यह वर्ष एक अदृश्य शक्ति से युद्ध का है जो हमें पता नहीं है कहाँ है, कैसा है। तो अब हम क्या करें? हमें हर परिस्थिति में अपने आप को तैयार करना है। प्रत्येक व्यक्ति में राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति का जज्बा होता है। उस जज्बे को कार्य रूप देने का समय है। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को सुरक्षित रख देश को सुरक्षा प्रदान कर सकता है। घर में रहकर देशभक्त होने का परिचय देना है। इस युद्ध में हमारे पास एक अचूक हथियार भी है, हम सबके पास है, और वो है सकारात्मक सोच, जिसका अर्थ है अच्छा सोचे, अच्छा समझे। अनेकों मनोवैज्ञानिकों ने कहा है, हमारी सोच का सकारात्मक होना उतना ही आवश्यक है जितना कि हमारे लिए हवा, पानी, भोजन आवश्यक है। उन्हीं में से एक मनोवैज्ञानिक रामजी चंद्रवाल ने कहा है कि सकारात्मक सोच हमें परिस्थितियों से लड़ने का हौसला देती है, जबकि नकारात्मक सोच व्यक्ति को अंदर तक से विचलित कर देती है, जो कि परिस्थितियों को और बिगाड़ देती है। तो सकारात्मक सोच के लिए हमें क्या करना है? स्वयं को अनुशासित करें, प्रार्थना करें, ध्यान करें, योगा करें, किताबें पढ़ें, मोबाइल से दूर रहें, एकांत में बैठकर देखिए, बहुत अच्छा फील करेंगे। दिमाग को जैसे नई ऊर्जा मिली हो, पर्याप्त जानकारी आपके पास उपलब्ध है। अनावश्यक खबरें देखना बंद करें, अनावश्यक खबरें नकारात्मकता को जन्म देती है। राजनीतिक और विशेषकर जातिगत वातावरण जो बना है वह भी खराब है। जो लोग माहौल बिगाड़ रहे हैं उनसे तथा प्रत्येक भारतीय से कहना चाहूंगा कि सबका अपना एक पैमाना होना चाहिए, और वो पैमाना है कि जो सही है वो करें, अपनी अंतरात्मा में झांक कर देखें और स्वयं से प्रश्न करें क्या सही है। आपको स्वयं उत्तर मिल जाएगा। इस तरह अच्छा वातावरण बनाने में प्रत्येक नागरिक सहयोग कर सकता है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि पहले तो समस्या होने ही ना दें, और यदि समस्या हो भी गई है तो समाधान का हिस्सा बने, न कि समस्या का। एक मुख्य बात कहना चाहूंगा कि प्रशासन और प्रशासनिक व्यवस्थाएं आपकी हमारी सुरक्षा के लिए है। दिए गए नियमों का पालन करें। एक बार सोच के देखिए, क्या हो अगर प्रशासन अपने हाथ खड़े कर दे? जब आप प्रशासन का सहयोग नहीं करेंगे तो प्रशासन आपके लिए प्रयास क्यों करेगा? आप और हम मारे जाएंगे। अगर स्थिति बिगड़ती है तो सरकार को स्वयं को बचाने के लिए पर्याप्त साधन है, किंतु आम आदमी को बचाने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है। आम आदमी को स्वयं की सुरक्षा स्वयं ही करनी है, दिशा निर्देशों का पालन करके। लॉकडाउन में दी गई छूट का सदुपयोग करें, अनुचित उपयोग ना करें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। और अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, आप सुरक्षित, आपका परिवार सुरक्षित, तो देश सुरक्षित। शुरुआत आपसे होती है। जय भारत, वंदे मातरम।